सो दोस्तों, जैसा कि ये साइकिल आप देख रहे हैं, ये देसी 20 इंच का हमारा न्यू साइकिल है। तो दो दिन तक कंटिन्यू बरसात का पानी में भीगने से इसका ब्रेक में एक प्रॉब्लम आ गया है, रियर ब्रेक में। क्या प्रॉब्लम आया कि ब्रेक को जब हम यूज कर रहे हैं तो ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा है और प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है? अगर आपका साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, बरसात का मौसम चालू हो गया है, तो विदाउट शॉप विदाउट मैकेनिक के पास ले जाओ, आप इजिली अपने घर में कर सकते हैं। कैसे करना, चलिए आप लोग को पूरा वीडियो में बताते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलता है। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजी में। सो दोस्तों, ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या आएगा? सो दोस्तों, साइकिल जो है बरसात का पानी में भीगने के बाद साइकिल को हम कपड़ा से साफ भी नहीं किए, जैसा कि देख रही है कितना ज्यादा डस्ट वगैरह बैठा हुआ है पूरा साइकिल में। ये देखिए, दो दिन तक कंटिन्यू साइकिल भीगा और भीगने के बाद ये प्रॉब्लम आया है। जैसा कि देख रहे हैं, हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए ब्रेक को हम प्रेस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से आपका सही से वर्क कर रहा है, ये देखिए लेकिन जैसे ब्रेक के पास देख रहे हैं, ये देखिए ब्रेक के पास काम नहीं कर रहा है। ये देखिए ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं लेकिन ब्रेक सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। और जैसा कि हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, व्हील भी हम घुमा करके दिखा रहे हैं, चक्का भी, ये देखिए चक्का भी घुमा रहे हैं, तो ब्रेक ऑटोमेटिकली साइड हो जा रहा है और चक्का आपका फ्री घूम रहा है। लेकिन जैसे हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए व्हील में आपका जो है ब्रेक सटा हुआ रह जा रहा है। इसके वजह से जो है साइकिल जाम बता रहा है, साइकिलिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को सामने में है। तो इसे कैसे ठीक करना है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा होने वाला है। आपको क्या करना है, छोटा सा किट में ऑयल ले लेना, बाइक का इंजन का ऑयल रहेगा और ब्रेक में आपको हल्का हल्का ऑयलिंग कर देना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए हम दोनों ही साइड से कर दे रहे हैं, एक में हो गया है। देखिए अच्छे से आपको ब्रेक में ऑयलिंग कर देना है। ब्रेक में ऑयलिंग करने के बाद देखिए, जैसे हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए ये आपका सही से वर्क करने लगा है ब्रेक। ये देखिए आपका सामने में रिजल्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो अभी बरसात का मौसम चालू हो गया है, पूरा साइकिल में आपको अच्छे से ऑयलिंग कर देना है, ब्रेक में हो, आपका बॉल बैरिंग में हो, चक्का वगैरह में हो। इससे क्या होगा कि साइकिल आपका स्मूथ और फाइन चलेगा, कोई भी सा प्रॉब्लम नहीं आएगा और नॉइज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद हम आप लोग को आगे का ब्रेक में दिखाना चाहेंगे, फ्रंट ब्रेक में। तो फ्रंट ब्रेक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए फ्रंट ब्रेक भी आपका सही से वर्क कर रहा है, इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन देखिए रश लग गया। अगर एक दो दिन तक इसी तरह रहेगा तो ये भी ब्रेक आपका सही से वर्क नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा। तो इसमें भी आपको क्या करना, दो दो बुंद ऑयलिंग कर देना है।